मिनाल खान की अपने पहले बेटे हसन इकराम और मोहसिन इकराम के साथ थाईलैंड से खूबसूरत सी वीडियोस जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिनाल खान शदीद तनकीद का भी सामना करना पड़ा कि मिनाल खान का बेटा भी बहुत ही छोटा है और इनके बेबी डिलीवरी को सिर्फ एक महीना ही हुआ है कि मिनाल खान एरोप्लेन का सफर करके थाईलैंड पहुंच गई। मिनाल खान ने बताया कि वो ये दिन अब रिलीफ के लिए सेलिब्रेट कर रही हैं और अपने बच्चे के साथ इंजॉय कर रही हैं। मिनाल खान ने मजीद बताया कि मेरा बेटा एक माह का हो चुका है और जरूरी होता है कि मदर्स को भी अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए और मैं अपने बेटे के साथ ये फर्स्ट टूर कर रही हूँ ताकि हम ढेर सारा इंजॉय कर सके और नई नई मेमोरीज अपने बेटे के साथ बना सके। इसके अलावा मिनाल खान ने अपने बेटे हसन इकराम के साथ और भी काफी ज्यादा वीडियो शेयर की और मिनाल खान ने बताया कि हसन इकराम को बहुत जल्द वो व्लॉग चैनल बनाकर देंगी और मिनाल खान ने अपने बेटे के साथ व्लॉग्स भी अपलोड कर दिए। मिनाल खान और मोहसिन इकराम की भी बहुत खूबसूरत सी वीडियोस बाइक चलाते और डिफरेंट एक्टिविटीज करते देखी गई। मिनाल खान के ऊपर होने वाली क्रिटिसिज्म का मिनाल खान ने जवाब दिया कि हर इंसान की अपनी जिंदगी है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप मदर बन गई हैं तो आप अपनी लाइफ को बिल्कुल ही छोड़ दें। मिनाल खान ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे डॉक्टर्स की परमिशन से ही मैंने ये डिसाइड किया कि हमें अब टूर प्लान करना चाहिए और थाईलैंड पर वो सिर्फ और सिर्फ मोहसिन इकराम और हसन इकराम के साथ खुद टाइम स्पेंड कर रही है और मिनाल खान ने बताया कि वो अपने बेटे का भी ख्याल खुद ही रख रही हैं। सारा टाइम मिनाल खान ने बताया कि हमारा सारा ध्यान हमारे बेटे की तरफ रहता है और हम इसके साथ अपनी नई नई मेमोरीज बनाना चाहते हैं। सो व्यूवर्स, आप भी बताइएगा मिनाल खान का इतना एक्टिवली अपनी जिंदगी में वापस आना, महीने की डिलीवरी के बाद फौरन से अपने शोहर और अपने बेटे के साथ टूर पर भी चली गई और डिफरेंट तरह की वीडियोज भी अपने फैंस के साथ शेयर कर दी। सो व्यूवर्स, आप भी बताइएगा आपको मिनाल खान कैसी लगती है।